उसके घर के अंदर रजत दलाल के साथ हुई। अब यार रैगिंग रैगिंग की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रजत दलाल की थी वो, मेरे को लगता है वो रैगिंग ही है, क्योंकि रजत दलाल के साथ चाहत पांडे ने किया है फ्लर्ट। फ्लर्ट करते हुए कुछ ऐसी बातें बोली हैं जैसे कि रजत दलाल काफी ज्यादा सहम से गए हैं, क्योंकि भैया उनको नहीं पसंद कोई उनको टच करे, कोई प्यार मोहब्बत वाली उनसे बातें करे, मतलब कोई लड़की आके, मतलब हाँ दोस्त है दूर दूर से, किसी और की बातें चल रही हैं तो अच्छा है, लेकिन उनको लेकर बातें की जाए तो भैया वो थोड़े पानी पानी से हो जाते हैं। ऐसा ही आज के लाइव फीड में देखने को मिला है। क्या कुछ कहा है चाहत पांडे ने रजत दलाल को, एंड रजत दलाल का क्या रिएक्शन और वर्ड्स देखने को मिले हैं अपने को, वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को कर दें सब्सक्राइब और भी इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों वर्कआउट कर रहे होते हैं रजत दलाल, करणवीर, ये सब गार्डन में, और वहीं पर चाहत पांडे एंड श्रुतिका, शिल्पा, ये कुछ गर्ल्स बैठी होती हैं गार्डन में, एंड वहीं पर इनकी नॉर्मल कन्वर्सेशन चलती है चाहत पांडे श्रुतिका की रजत दलाल के साथ। वहीं पर रजत दलाल कहते हैं कि ये सब वो तो अलग लाइन है, वो तो चाहत के लिए है, कुछ लाइन बोलते हो, एंड जिसके बाद चाहत पांडे एकदम से अचानक से कहीं से पता नहीं कोई ये लाइन ले आती है कि मैं तुम्हें पसंद हूँ ना, मैं तुम्हें मस्त लगती हूँ, मतलब मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ ना, मैं पसंद हूँ ना तुम्हें, ये दो लाइनें बोलते, जिसके बाद रजत दलाल कहते हैं हाय, अरे भाई ये जोड़े हाथ, ऐसे रजत दलाल कहते हैं कि ये जोड़े हाथ बख्श दे मेरे को, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मेरा शरीर इतना मतलब स्ट्रेचेबल होता तो मैं अपने दोनों पैर भी जोड़ देता तेरे आगे, और ये दोनों हाथ भी जोड़ देता, और दोनों एक साथ भी जोड़ देता अगर भगवान ने मेरे को इतना स्ट्रेचेबल बनाया होता, लेकिन जो तू बोल रही है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जिसके बाद चाहत कहती है अरे ठीक है, तो क्यों इतना मेरे को तुम डैमेज कर रही हो इन बातों से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। वो कहते अच्छी है तू, लेकिन यार नहीं मेरे को नहीं है, बस मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे साथ, ऐसी बातें मेरे साथ मत किया करो, क्योंकि आई डोंट नो कि रजत दलाल की बाहर कोई गर्लफ्रेंड है जो कि काफी लॉयल है रजत दलाल उनको लेकर, और ऐसी बातें जब भी बिग बॉस के घर के अंदर होती है तो रजत दलाल दो कदम पीछे ही हो जाते हैं। सबसे पहले कोई उनको टच करता तो रजत दलाल वहां पर उनको साफ मना कर देते कि भैया ऐसे टची टची मेरे साथ ना हो, ऐसी कोई बात बोल देते तो भी उनके आगे हाथ जोड़ देते हैं। यार बंदा बाकी स्वीट है, लॉयल है, आपका क्या है कहना रजत दलाल के ऊपर, प्लीज कमेंट में बताना, और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें।